तैयार होके आ जाएं, बट यू नो एक्सेसरीज काउंट करती हैं कि चादर पहनी हुई, झुमका पहना हुआ, हार, इट मेक्स इट ब्यूटीफुल. तो ऐसे ही गाने को खूबसूरत म्यूजिशियंस बनाते हैं. बट आई थिंक दैट रामा जी दिस माइट बी यूजफुल फॉर यू आल्सो, राइट, फ्रॉम अ डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू. जर्नी बताइए. मैं आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर और होम इकोनॉमिक्स से मैंने बीएससी किया. एंड ड्यूरिंग द टाइम आई वाज डूइंग माय बीएससी, हमारे वहां चॉइस होती थी उर्दू या म्यूजिक की. तो उर्दू था मेरे पास क्योंकि मैं लिखती भी थी, लिटरेचर पढ़ती थी. और एक दफ़ा मैंने कॉलेज के मिलाद में नात पढ़ी तो प्रोफेसर समीना हसन सैयद जो वहाँ पर थी, उन्होंने मुझे सुना और उन्होंने कहा कि ये लड़की मुझे म्यूज़िक में चाहिए. वो प्रिंसिपल से लड़के और मेरी माँ से, क्योंकि हमारी फैमिली का तो इस तरफ गाने वगैरह की कुछ भी नहीं था. मुझे बहुत शौक था शुरू से गाने का, और सुनते ही पैदा ही और पले बड़े ही लेजेंड्स को सुन सुन के, फरीदा खानम जी को, इकबाल बानो साहिबा को, मेहदी हसन खान साहब को. तो वो बचपन से, मामा कहती कि तुम छोटी सी थी जब तुम गज़लें गाया करती थी, और हम हैरान होते थे कि इस लड़की के अंदर ये गाने का इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई. खैर, म्यूज़िक लर्न करना शुरू किया तो मोहब्बत सी हो गई, ऐसे लगा कि बस यही करना था. जैसे घर आ गई हैं. ये जैसे घर आ गई. वैसे तो प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो ये कहते हैं ना, अच्छा गाना तो गाती हो, करते क्या हो तुम. हमारे यहाँ पर अभी तक आई डोंट नो ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि एक सिर्फ आर्टिस्ट भी हो सकता है एंड फुल टाइम आर्टिस्ट भी हो सकता है, एक सिंगर हो सकता है, एक एक्टर हो सकता है जिसका अदर सोर्स ऑफ इनकम ना हो. खैर, आई स्टार्टेड एज अ टीचर. मैंने पढ़ाया भी HSN कॉलेज में, बीकन हाउस में, और डिफरेंट स्कूल में पढ़ाती रही. आई वॉज रनिंग माई ओन स्कूल फॉर सम टाइम टू. लेकिन गाने के साथ वही रहा. और मेरी मदर का था कि आज से आप समझ ले 15-20 साल पहले इतना उस तरीके से लड़कियां नहीं आ रही थी. अब मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी फैमिली की लड़कियां आ रही हैं, गाने की तरफ आ रही हैं. अब प्लेटफॉर्म्स भी हैं गाने के, कोक स्टूडियो है, नेस्कैफे बेसमेंट. यू सी, एंड देन यू गॉट द डिजिटल वर्ल्ड. अब आप मोहताज नहीं है किसी चैनल, किसी इदारे के, व्हिच इज ग्रेट, राइट. तो मैंने अपने ओन पे गाना शुरू किया. जब अमेरिका हम मूव हुए तो वहाँ पर इतना इन्फ्लुएंस आपको पता है पेरेंट्स का और सोसाइटी का उस तरीके से नहीं होता. तो हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वहाँ पर मैंने गाना शुरू किया और लोगों ने बहुत पसंद किया. और आपने शायद एक वीडियो देखी होगी मेरी कि मैं कार में बैठी सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते गाना गुनगुनाया. मैंने न्यूयॉर्क की ट्रैफिक में, ट्रैफिक जैम में फंसी और मैंने बिल्कुल रैंडम एक वीडियो है. ओ माय गॉड, मिलियंस ऑफ व्यूज. नहीं, वो हमने लाइव भी सुनना है. जरूर. हमने भी वायरल होना है. वो कहते ना, वी विल राइड योर कोट टेल्स टू बिकमिंग वायरल. बदनाम होंगे तो क्या नाम. और मैंने वो देखा कि लोगों ने, आप देखिए कि रूमर्स कैसे फैलती हैं. किसी ने लिखा हुआ टिकटॉक पे और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप में जो आप वीडियोस वायरल करते हैं उसके ऊपर नीचे लिखा हुआ ग्रैंड डॉटर ऑफ मैडम नूरजहां. लोगों ने मुझे पूछना शुरू कर दिया. उन्होंने कहा तुम तो दिखती हो. मैंने कहा यार मेरा तो वैसे तो कोई ताल्लुक नहीं सवाए इसके कि वो भी कसूर से थी और मेरा ताल्लुक बेसिकली कसूर से. ओ यस, वो तो एक मेंटोर हैं, एक हमने उन्हें सुन सुन के बड़े हुए और अभी भी उनके गानों से सीखते हैं. लेकिन वैसे जेनेटिकली मेरा कोई ताल्लुक नहीं. लेट्स जस्ट कनेक्ट द डॉट्स. आपने जो वीडियो बनाई थी, हुआ क्या था? ये जो अभी हमने सॉन्ग सुना बड़ा खूबसूरत. जुगन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने ये सोच कर नहीं बनाई थी कि ये पॉपुलर होगी या ये वायरल होगी. इट जस्ट वेंट वायरल ऐसे ही, मतलब. बट वो हुआ क्या, आप बैठी हुआ क्या था कि मैं आई वॉज ड्राइविंग, आई वॉज गोइंग फॉर अ टीवी शो वहीं पर न्यूयॉर्क में. आपको पता है हमारे वहाँ पर भी बहुत से चीज़ें चलती रहती हैं और चैनल्स हैं वहाँ पर भी. तो वहाँ पर मैं टीवी इंटरव्यू के लिए जा रही थी और न्यूयॉर्क की ट्रैफिक तो आपको मालूम है, बस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं. और मैंने तैयार हुई हुई थी, मेकअप शेकअप लगाया हुआ था और तब तो मैंने कैमरा निकाला, उसको उस पर स्टैंड पे लगाया कार के. और मैंने कहा चलो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा जाने से पहले थोड़ा वार्म अप, यहाँ थोड़ा वार्म अप करना चाहिए. तो मैंने वो लगाया और बस ऐसे ही गा दिया. और वो मैंने कुछ फ्रेंड्स को, कुछ क्लोज फ्रेंड्स, जस्ट माय व्हाट्सएप ग्रुप, यू नो, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे,
मैंने उनको भेज दिया, आप यकीन करें कि वो आज तक भी, इस बात को 3 साल हो गए लेकिन आज तक भी वो लोग मुझे भेजते हैं। और मैंने किसी ड्रामे का क्लिप देखा, पाकिस्तानी ड्रामा का, जिसमें कोई लड़की ऐसे करके फोन लेकर बैठी और वो मेरी वीडियो ही देख रही है और मेरी दोस्त ने मुझे भेजा, कहती है तुम नहीं हो, मैंने कहा ये तो मैं ही हूं। अब देखें, आपकी एज अ ह्यूमन बीइंग बड़ी माशाल्लाह एक डिमांड है, लोग कहते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है कि एक साइमा नाम की लड़की है जो इतना खूबसूरत गाती है और जो टैलेंटेड है, या जिन्होंने वो वन टाइम वीडियो देखी, अब वो किस तरह इनसे कनेक्ट करेंगे? एंड सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग यू और पुटिंग नेगेटिव, उन्होंने अपना बना लिया है, आदत बना ली है, खराब होता है बार बार उनकी फजूल बातें सुन के। अच्छा, हमारे मुल्क का बल्कि एक इंटरनेशनल एहसास है, बट मेरी जान You don't have that option कि आप सिर्फ Facebook पे interact करें, right के wrong? बिल्कुल exactly. Celebrity के पास तो वो luxury नहीं है, right? I have made a YouTube page as well, और हमारी Mark and Mani company है जो मुझे अमेरिका में मैनेज कर रही है, and we are doing shows अल्हम्दुलिल्लाह all across United States, हर state में हम जा रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि इतना वहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर ईद पे 14 अगस्त पे, या हमारा वो पाकिस्तान डे होता है 23 मार्च का, उस पर वहाँ पर ज़्यादा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ एंथुजियाज़म उस तरह से नहीं है, जहाँ हम दूर रहते हैं ज़्यादा, मतलब कुछ भी होता है, ईद होती है या कोई ऐसा इवेंट आता है, हम क्या करते हैं, टिकेटेड प्रोग्राम या वैसे ही जैसे फंड रेजर्स हैं, बहुत सारे फंड रेजर्स होते हैं अमेरिका में, करती हैं सोशल वर्क जी, तो वो होता है कि हम वो वहाँ पर करते हैं और बहुत पैसा जनरेट करते हैं हम यहाँ की एनजीओज़ के लिए जो काम कर रही हैं, यू नो, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए या मजदूरों के लिए या ख़वातीन के लिए, तो वहाँ पर बल्कि इतना ज्यादा काम हो रहा है कि यकीन कीजिए कि आप कभी टाइम नहीं मिलता किसी को। मुझे बाहर ऑफर्स आने लग गए हैं, दुबई से, यूके से और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा, कि यहाँ पर काम करें, यहाँ पर बहुत काम है और हमें फीमेल सिंगर्स चाहिए। आप यकीन करें, हम यूट्यूब या हम ढूंढते हैं कि अच्छा अच्छी कड़ी कैसे बनाऊं, अब मैंने बच्चों ने कहा हमने कड़ी खानी है, तो यू नो यूट्यूब पे कोई वो बाबा चैनल या कुछ डिफरेंट, यू नो, आदमी सीधा साधा आदमी बिल्कुल, और उसने कड़ी बनाने से कहा क्या जबरदस्त कड़ी बनी, मैंने पहली दफा जिंदगी में कड़ी बनाई और बड़ी हिट हो गई मेरी कड़ी तो फैमिली में। के वहां पे कॉन्सर्ट्स, काम, रियाज, इतनी सारा कुछ एफर्ट तो करनी पड़ती है। देखिए, एक तो आपका कुछ वायरल हो गया, वो आप बाय चांस कह लें, लक कह लें, वो हो गया तो कल लग गया कि अब वायरल हो गए, लेकिन उसको कैसे लेके चलना है और बल्कि बेहतर बनाना है, ना कि सिर्फ उसी डगर पे चलना है बल्कि उसको बेहतर बनाना है। और जैसे कि आज पर बता रहे हैं कि इसको किस तरीके से आपको लेकर चलना है, और सोशल मीडिया प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल।